स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे INS इम्फाल के बारे में। क्या है ये INS इम्फाल? तो ये एंटी एयर बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस 90 डिग्री तक घूमकर हमला करने वाला एक युद्धपोत है जिसको भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल कर लिया गया है और इसका नाम उत्तर पूर्व के एक राज्य मणिपुर के राजधानी के नाम पर रखा गया है जो कि म्यांमार से सीधा सीमा साझा करता है। ठीक है, समझ गए आप? ऊपर नागालैंड, नीचे मिजोरम, ठीक है, और इधर असम की सीमा इससे मिलती है। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। उत्तर पूर्व के राज्य तो सभी समृद्ध राष्ट्र हैं, राज्य हैं हमारे उत्तर पूर्व में। चर्चा में क्यों है? INS इम्फाल नौसेना में शामिल कर लिया गया है, इसके कारण भारत के समुद्री क्षेत्र की ताकत और बढ़ गई है। इसका नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है। बिटवीन द लाइन प्रोसेस INS इम्फाल को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है और यह इस प्रोजेक्ट के तहत तीसरा युद्धपोत है। इससे पहले विशाखापत्तनम और मार्मुगाव बन चुका है और ये तीसरा INS इम्फाल है। चौथा आने वाला है INS सूरत। ठीक है, तो यह विशाखापत्तनम श्रेणी के ही आधार पर बनाया जा रहा है जो स्टील निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। और अगर सिलेबस से जोड़ने की बात कहें तो ये सिलेबस से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट प्रश्न आएंगे इससे। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप इसकी विशेषता के बारे में भी बता सकते हैं। कब? जब आंतरिक सुरक्षा की बात हो और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, GS पेपर थर्ड में। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B क्या है? 2011 में इसका प्रारंभ किया गया। इसके तहत मझगांव डॉकयार्ड्स के शिप बिल्डर्स लिमिटेड के माध्यम से 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्मित करने थे युद्धपोत, जिसमें INS विशाखापट्टनम, INS मार्मुगाव नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। INS इम्फाल श्रेणी को अब शामिल किया गया है 2023 दिसंबर में और इसके बाद जो है INS सूरत शामिल किया जाएगा। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या रशिया और भारत के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसके बाद रशिया की एक नदी है उसके आधार पर ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल अब तीनों क्षेत्र में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लिए उपलब्ध है। यह लंबी दूरी के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ भी लैस किया गया है। साथ ही साथ भारत अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यूनाइटेड नेशन सी कन्वेंशन के तहत अनक्लॉज के तहत 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी देश का क्या होता है उसकी आधिकारिक सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्री क्षेत्र में उसका क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल्स के साथ ही 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा और 1,100 लगभग जो तटीय द्वीप हैं उनकी सुरक्षा के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक बेहतर प्रमाणन है, एक बेहतर उदाहरण है INS इम्फाल का नौसेना में सम्मिलित हो जाना। इस श्रेणी का अंतिम जहाज INS सूरत होगा जिसका कार्य क्या है अभी चल रहा है, निर्माणाधीन है ये। INS इम्फाल की प्रमुख विशेषताओं पे अगर बात करें तो 7,400 टन इसका कुल वजन है, कुल लंबाई 164 मीटर है। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ पोत विध्वंसक मिसाइल टॉर्पीडो से संपन्न किया गया है, लैस किया गया है। इस पर बराक जो असम में बहती है नदी, मणिपुर असम में बराक, उस नाम पर एक मिसाइल बनाया गया है बराक, और फिर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया है। ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत का भी प्रमाण है क्योंकि 75% इसमें जितने भी सामान लगे हैं वो स्वदेश में निर्मित हैं। ठीक है, फिर इस परमाणु पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं हैं, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर हैं और ASP हेलीकॉप्टर से इसे लैस किया गया है। इस जहाज को न सिर्फ परमाणु क्षमता से संपन्न बनाया गया है हमले से बल्कि जैविक और रासायनिक युद्ध भी होता है, तो उस स्थिति में भी इसका संचालन आसानी से किया जा सकता है।
इस जहाज का निर्माण स्वदेशी स्टील्थ DMR-249A तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। ये सभी फैक्ट आपको नोट कर लेना चाहिए। यह पहला युद्धपोत है जो महिला कर्मचारियों के लिए आवासीय युद्धपोत का उदाहरण बना है, ठीक है, जिनमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह जहाज शक्तिशाली संयुक्त गैस और गैस प्रणोदन संयंत्र से संचालित होगा। इसमें 4 प्रतिवर्ती गैस टरबाइन शामिल हैं। इसकी मदद से यह जहाज 30 समुद्री मील यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है, ठीक है, INS इम्फाल। अब बात भारतीय नौसेना कितनी शक्तिशाली है इसकी कर लेते हैं, क्योंकि नौसैनिक क्षमता को ही बढ़ा रहा है INS इम्फाल। तो अब तक जो जानकारी है नवीनतम, उसमें 75,000 रिजर्व फोर्स, 6,000 कह रहा हूँ, 67,252 सक्रिय जवान हैं, 300 एयरक्राफ्ट्स हैं, 150 जहाज, सबमरीन्स, 4 फिट टैंकर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नामक 2 एयरक्राफ्ट्स हैं भारत के पास, एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 फ्रिगेट्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 8 लैंडिंग शिप टैंकर्स हैं, एक एम्फीबियन ट्रांसपोर्ट डॉक बनाया गया है भारत में। फिर उसके बाद भारतीय नौसेना के पास 143 विमान हैं, 130 हेलीकॉप्टर और 132 युद्धपोत हो चुके हैं, और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक वो 175 युद्धपोतों को भारत की नौसेना को सौंप दे। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 एडवांस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है, जिसमें अब तक INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और वागीर को निर्मित कर लिया गया है। वाक्शीर निर्माणाधीन है, जल्दी यह भी शामिल हो जाएगा। और अगर बात की जाए भारत दुनिया की नौसेना में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वीं सबसे ताकतवर नौसेना कही जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर में भारत का एक अलग पहचान है और भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी INS इम्फाल के बारे में। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एक दो बार रिपीट करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि सारे फैक्ट्स आप अच्छे से नोट कर सकें और समझ सकें। ये जितने भी युद्धपोत बनाए जाते हैं और पनडुब्बियां बनाई जाती हैं, सबमरीन्स, इन सभी को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ये समुद्री क्षेत्र में भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ समग्र रूप से भारतीय भूभाग को सुरक्षित रखने के लिए जो नौसेना हमारे प्रति कृतज्ञ रहती है, रातों रात जाग करके हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था की गई है एक नए INS इम्फाल जहाज के तहत, ताकि उनकी शक्तियों में और इजाफा हो सके। बिल्कुल डिफेंस सेक्टर में वर्तमान सरकार लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है, जिस प्रकार सड़क मंत्रालय भी बेहतरीन कार्य कर रहा है। तो हमें गर्व है अपनी नौसेना पर, अपनी सभी सैन्य शक्तियों पर, और हम सलाम करते हैं भारतीय नौसेना को। जय हिंद।